ओके, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है स्क्रीन पे। इसमें हमसे लाइकलीहुड रेशियो पूछा है, ठीक है, और नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस डिफाइंड है, और डिस्ट्रीब्यूशन हमें यहाँ पर गिवन है। डिस्ट्रीब्यूशन पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ये आपको याद रखना है कि पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ क्या होगा, ठीक है। तो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ यहाँ पर अगर हम लिखें विद पैरामीटर लैम्डा, क्योंकि जो नल हाइपोथेसिस है वो लैम्डा के टर्म्स में है, तो यहाँ पर ये पैरामीटर लैम्डा होगा। तो पीडीएफ होगा यहाँ पर e^-लैम्डा, लैम्डा टू द पावर एक्स अपॉन एक्स फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन हमने क्वेश्चन रीड करके हमने पता कर ली कि भाई पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन है तो ये पीडीएफ होगा। क्लियर, अब क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। तो इसमें फेल्ड सैटेलाइट लॉन्चेस ये हमें गिवन है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन पॉइसन है विद पैरामीटर लैम्डा, ठीक है, और फेलियर काउंट्स हमने लिए हुए हैं लास्ट 12 मंथ्स के, यानी जो सैंपल साइज यहाँ पर है, सैंपल साइज ये 12 यूनिट का है, ठीक है, और साथ में हमें टेस्टिंग देखनी है लैम्डा इक्वल टू 2 अगेंस्ट लैम्डा इक्वल टू 3। तो हम देख रहे हैं भाई यहाँ पर ये टेस्टिंग किस तरह की है। अगर बात की जाए सिंपल हाइपोथेसिस और कंपोजिट हाइपोथेसिस के टर्म्स में, तो हम देखेंगे भाई नल हाइपोथेसिस भी हमारी सिंपल हाइपोथेसिस है और अल्टरनेटिव भी हमारी क्या है, सिंपल हाइपोथेसिस है। क्लियर, तो ये प्रॉब्लम सिंपल वर्सेस सिंपल की प्रॉब्लम है। अब लाइकलीहुड रेशियो यहाँ पर हमने देखना है, लाइकलीहुड रेशियो कितना होगा, ठीक है। तो कितना आएगा लाइकलीहुड रेशियो, बता सकते हैं लाइकलीहुड रेशियो कितना होगा यहाँ पर। लाइकलीहुड रेशियो मीन्स लाइकलीहुड रेशियो ऑफ लाइकलीहुड फंक्शन अंडर नल हाइपोथेसिस एंड लाइकलीहुड फंक्शन अंडर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। तो सबसे पहले तो जो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन हमें गिवन है, इसका लाइकलीहुड फंक्शन हम बना लेते हैं एन यूनिट के लिए, ठीक है, बाद में एन की वैल्यू हम पुट करेंगे। तो लाइकलीहुड फंक्शन यहाँ पर आप देखोगे ये होगा e^-n λ इंटू लैम्डा टू द पावर समेशन एक्स डिवाइडेड बाई प्रोडक्ट एक्स फैक्टोरियल, ठीक है, प्रोडक्ट, या इसे हम एक्स आई फैक्टोरियल कह लें, ये समेशन एक्स आई से कह सकते हैं। क्लियर, तो इसके बेसिस पे हमने बताना है लाइकलीहुड रेशियो कितना होगा। आप बताइए जरा क्या होगा यहाँ पर, करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। लाइकलीहुड रेशियो लैम्डा से हम डिनोट करते हैं, ठीक है, और लाइकलीहुड रेशियो होता है L1/L0, ठीक है। जब लाइकलीहुड रेशियो टेस्ट हमने डिस्कस किया था तो वहां पर लैम्डा हमने बताया था, लैम्डा इज लाइकलीहुड रेशियो एंड इज द रेशियो ऑफ लाइकलीहुड फंक्शन अंडर होल पैरामीटर स्पेस डिवाइडेड बाई लाइकलीहुड फंक्शन अंडर नल हाइपोथेसिस, ठीक है। अब लेकिन ये लाइकलीहुड रेशियो जनरली क्या होता है, सिंपल वर्सेस कंपोजिट हाइपोथेसिस के केस में हम इसे डेवलप करते हैं, ठीक है, या कंपोजिट वर्सेस कंपोजिट के केस में हम इसे डेवलप करते हैं। तो जब कंपोजिट यहाँ पर क्या होगा, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जब कंपोजिट होगी तो न्यूमरेटर में हम लाइकलीहुड फंक्शन अंडर पैरामेट्रिक स्पेस लेंगे। अब लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस स्पेसिफाइड है, तो ये प्रॉब्लम सिंपल वर्सेस सिंपल है, तो सिंपली हम लाइकलीहुड रेशियो को लिख सकते हैं L1/L0। तो अब L1 क्या होगा और L0 क्या होगा, ये आप देखेंगे यहाँ पर। L1 हम कैलकुलेट करें, L1 मींस लाइकलीहुड फंक्शन अंडर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, तो इसकी वैल्यू होगी e^-n, n इज 12 इंटू लैम्डा, लैम्डा इज 3, ओके, एंड लैम्डा टू द पावर दैट मीन्स 3 टू द पावर समेशन एक्स आई डिवाइडेड बाई
प्रोडक्ट एक्स आई फैक्टोरियल, ये एल वन होगा। सिमिलर वे में हम एल जीरो कैलकुलेट करेंगे, तो एल जीरो कितना होगा, ये होगा ई टू द पावर माइनस 12 इंटू लैम्डा स्पेसिफाइड अंडर नल हाइपोथेसिस, क्योंकि लाइकलीहुड फंक्शन अंडर नल हाइपोथेसिस हम फाइंड कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2 टू द पावर समेशन एक्स आई होल डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट एक्स आई फैक्टोरियल, ठीक है। इतना सबको समझ में आया होगा, हमने क्या किया, लाइकलीहुड फंक्शन डेवलप किया, लाइकलीहुड फंक्शन को अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस और नल हाइपोथेसिस की फॉर्म में लिख लिया। तो इन दोनों का रेशियो मैं कैलकुलेट करूंगा, तो इन दोनों का रेशियो ये लाइकलीहुड रेशियो होगा, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट एक्स आई, प्रोडक्ट एक्स आई तो बैलेंस हो गया, न्यूमरेटर में हमारे पास रहा ए टू दी पावर माइनस 36 इंटू 3 टू दी पावर समेशन एक्स आई, और डिनोमिनेटर में हमारे पास रहेगा ए टू दी पावर माइनस 24 इंटू 2 टू दी पावर समेशन एक्स आई, ठीक है। तो ये ए टू दी पावर माइनस 36 अपॉन ए टू दी पावर माइनस 24, ये तो हो गया ए टू दी पावर माइनस 12, ठीक है। और 3/2 इसे हम लिख सकते हैं, 3/2 होल टू दी पावर समेशन एक्स आई, इतना लिखा जा सकता है। तो फर्दर इसे सॉल्व करेंगे तो ये लाइकलीहुड रेशियो आ जाएगा ए टू दी पावर माइनस 12 इंटू 1.5 होल टू दी पावर समेशन एक्स आई। तो ये ऑप्शन में हम देख लें क्या ऑप्शन है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। ये समझ में आया सबके सॉल्यूशन कैसे हमने सॉल्व किया। किसी को कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। कोई चीज़ नहीं समझ में आई हो आपको तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें प्रोबेबिलिटी फंक्शन हमें गिवन है, प्रोबेबिलिटी फंक्शन है यूनिफॉर्म पॉपुलेशन है, ठीक है। और क्रिटिकल रीजन हमें गिवन है, दिस इज आवर क्रिटिकल रीजन, ठीक है। और ये जो टेस्टिंग है ये सिंगल सैंपल पे बेस्ड है, ठीक। तो इस केस में टेस्टिंग है इट्स नॉट सच दैट थीटा इक्वल टू 1.5 अगेंस्ट थीटा इक्वल टू 2। तो ये टेस्टिंग हमारी सिंपल वर्सेस सिंपल हाइपोथेसिस की टेस्टिंग है। तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन हमें गिवन है, तो इन्हें हमने चेक करना है कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये पूछा, एक तो साइज ऑफ द टेस्ट के टर्म्स में हमें पूछा गया है, और दूसरा पूछा गया है कि टेस्ट हमारा बायस्ड है या अनबायस्ड है, ठीक है। तो साइज ऑफ द टेस्ट कैलकुलेट करने के लिए हम सिंपली अल्फा कैलकुलेट करेंगे, और अनबायसनेस या अनबायसनेस हमें चेक करनी है टेस्ट की। तो टेस्ट की अनबायसनेस, कोई भी टेस्ट हमारा अनबायस्ड होगा, कब होगा, जब उसकी पावर क्या होगी, अल्फा से बड़ी होगी, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक तो अल्फा कैलकुलेट करेंगे, दूसरा 1 - β कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। फिर देखेंगे क्या ये कंडीशन होल्ड करता है। अल्फा तो हमें कैलकुलेट हो गया, अल्फा की ये पॉसिबल वैल्यूज हैं यहाँ पर 0, 0.5 एंड 0.33। कौन सी वैल्यू आएगी ये हम देख लेंगे, ठीक है। अल्फा की वैल्यू आ गई, देन हम 1 - β कैलकुलेट करेंगे। 1 - β के बेसिस पे हमें पता चलेगा कि ये हमारा टेस्ट बायस्ड है या अनबायस्ड है, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए देखिए अल्फा हमें कैलकुलेट करना है। तो अल्फा क्या होता है, अल्फा है प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज एक्चुअली ट्रू, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग नल हाइपोथेसिस मींस इन दैट केस सैंपल विल लाई इन क्रिटिकल रीजन, ओके, एंड द नल हाइपोथेसिस इज ट्रू। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग अल्फा इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी, ओके। तो ये हम कैलकुलेट करने जाते हैं, तो यहाँ पर क्रिटिकल रीजन हमें गिवन है, दिस इज आवर क्रिटिकल रीजन, ओके। तो ये वैल्यू हम पुट करें एक्स 1 - 1.5 अंडर नल हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस इज थीटा इक्वल टू 1.5, क्लियर। तो ये प्रोबेबिलिटी हम प्रोबेबिलिटी फंक्शन की हेल्प से कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर जो इंटीग्रेशन होगा
इंटीग्रेशन हमारा क्रिटिकल रीजन की लिमिट हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे, तो क्रिटिकल रीजन की लिमिट हमारी क्या है, 1 to 1.5 है, और पीडीएफ हम देखते हैं 1/थीटा है, पीडीएफ 1/थीटा है, लेकिन अब पीडीएफ को हमने क्या किया है, नल हाइपोथेसिस में डिफाइन किया है, थीटा इक्वल टू 1.5, तो जो पीडीएफ होगा, पीडीएफ की वैल्यू कितनी होगी, ये हो जाएगी 1/1.5 dx, यही होगा अल्फा, इसी तरह से कैलकुलेट करेंगे ना। अगर किसी को कन्फ्यूजन है, नहीं समझ में आया तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। मैंने क्या किया, इंटीग्रेशन की लिमिट यहाँ पर क्रिटिकल रीजन की लिमिट होगी, ये हमने पहले डिस्कस किया था, ठीक है। और पीडीएफ को हम नल हाइपोथेसिस के बेसिस पे यहाँ पर डिफाइन करेंगे, क्योंकि हमारी नल हाइपोथेसिस ट्रू होगी, हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर रहे होंगे, द चांस ऑफ रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज एक्चुअली ट्रू इज आवर अल्फा, दैट मींस साइज ऑफ द टेस्ट और साइज ऑफ क्रिटिकल लीजन, और समटाइम्स वी कैन से दैट अल्फा इज आवर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, ओके। तो जब ये इंटीग्रेशन हम सॉल्व करेंगे, तो 1/1.5 तो बाहर आएगा, अंदर 1 का इंटीग्रेशन होगा, 1 का इंटीग्रेशन x होगा, ठीक है। तो ये लिमिट 1.5 to 1, क्लियर। तो यहाँ पर इसे जब आप सिंप्लीफाई करोगे, तो ये 1.5 - 1, तो ये आएगा 0.5/1.5, ठीक है। इसे जब आप सिंप्लीफाई करोगे, तो ये आया आपका 1/3, ठीक है, ये 1/3, 1/3 को सिंप्लीफाई करोगे तो अल्फा की वैल्यू आ गई 0.33, क्लियर। तो अब हम ऑप्शन में देख सकते हैं कि भाई अल्फा की वैल्यू 0.33 कहाँ पर आ रही है, तो हम देख रहे हैं भाई, एक तो यहाँ पर 0.33 है, एक यहाँ पर 0.33 है, ठीक है। तो अब कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, इसके लिए हमें क्या करना होगा, टेस्ट की अनबायसनेस चेक करनी होगी कि टेस्ट हमारा बायस्ड है या अनबायस्ड है, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सिंपली 1 - बीटा कैलकुलेट करना है, और 1 - बीटा होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग नल हाइपोथेसिस व्हेन अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इज ट्रू, ठीक है। इस तरह से भी हम कहते हैं, पावर फंक्शन हम डिफाइन करते हैं 1 - बीटा, 1 - बीटा इज प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग नल हाइपोथेसिस व्हेन नल हाइपोथेसिस इज फॉल्स, नल हाइपोथेसिस फॉल्स है तो उस केस में अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ट्रू होगी, ठीक है। और हम प्रोबेबिलिटी में क्या करते हैं, ट्रू कंडीशन को कंसिडर करते हैं, क्लियर। तो यहाँ से जब हम इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे, तो ये देखिए, इंटीग्रेशन की लिमिट हमारी क्रिटिकल रीजन की लिमिट होगी, क्रिटिकल रीजन की लिमिट 1 to 1.5, ठीक है, और थीटा की वैल्यू हम पुट करेंगे, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस पे पीडीएफ हमने डिफाइन करना है, तो ये 1/2 dx होगा। तो इसे जब सॉल्व करेंगे, तो ये 1/2 और ये रहेगा 1.5 - 1, क्लियर। तो ये 1/2 × ये 0.5 आया, इसे सॉल्व किया तो ये 0.25 आ गया। तो हमने देखा 1 - बीटा कैलकुलेट किया, दिस इज 0.25। तो इसके बेसिस पे अब हम बता सकते हैं कि हमारा टेस्ट बायस्ड है या अनबायस्ड है। तो क्या होगा यहाँ पर, टेस्ट अनबायस्ड होगा कि बायस्ड होगा, बायस टेस्ट क्या होगा, बायस्ड होगा। अनबायस्डनेस के लिए ये कंडीशन है, ठीक है, अगर पावर क्या है, अल्फा से बड़ी है तो टेस्ट अनबायस्ड होगा, लेकिन यहाँ पर हमने पावर कैलकुलेट की, एंड दिस पावर 1 - बीटा इज लेस देन अल्फा, दैट मींस द टेस्ट इज बायस्ड, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पर ऑप्शन सी, साइज ऑफ द टेस्ट इज 0.33 एंड टेस्ट इज बायस्ड, ठीक है। तो इस तरह से थोड़ा सा आपको जो कॉन्सेप्ट है वो अगर आपको पता है, तो इस तरह से आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन थर्ड का क्या आंसर होगा, बताइए। आंसर टू क्वेश्चन नंबर थ्री, ऑप्शन सी 9 सर। ऑप्शन सी इज करेक्ट, 9, ठीक है। पेयर्ड टी टेस्ट में हमारे पास डिपेंडेंट सैंपल होते हैं, डिपेंडेंट सैंपल हैं तो क्या होगा, पेयर्स में ऑब्जर्वेशन होंगे, एक्स आई कॉमा वाई आई, ये पेयर्स में होगा, आई वेरीज फ्रॉम 1 to up to n, ठीक
ठीक है, तो यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम एन माइनस वन होगी, तो ये 10 पेयर्स हैं, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा 9। क्लियर? देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, इसका क्या आंसर होएगा? मोस्ट पावरफुल टेस्ट ऑफ नेमन पियर्सन फंडामेंटल लेमा गिव्स द मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ मोस्ट पावरफुल टेस्ट। ठीक है, अब पावरफुल टेस्ट क्या होता है ये हमने डिस्कस किया था भाई, टेस्ट बेस्ड अपॉन मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल लेजन। अब मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल लेजन क्या है? कोई भी क्रिटिकल लेजन जिसकी पावर क्या है, मैक्सिमम है, और जिसका साइज क्या है, मिनिमम है। ठीक है, तो ये बेस्ट क्रिटिकल लेजन होगा या मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल लेजन होगा। तो यहाँ से दो कंडीशन आती हैं, एक कंडीशन होगी सिंपल वर्सेस सिंपल हाइपोथेसिस की, और दूसरी कंडीशन होगी सिंपल वर्सेस कंपोजिट हाइपोथेसिस की। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन में मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल लेजन हमें मिलेगा, यहाँ पर हमें मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल लेजन मिलेगा, और यहाँ पर यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल लेजन मिलेगा। ठीक है, कंडीशन यही रहेगी। तो जब मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल लेजन हमें आइडेंटिफाई करना है, तो इसके लिए हम नेमन पियर्सन लेमा का यूज करते हैं, और यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल लेजन अगर फाइंड करना है तो उसके लिए लाइकलीहुड रेशियो टेस्ट यूज करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर टू क्वेश्चन नंबर 5, द एरिया ऑफ क्रिटिकल लेजन डिपेंड्स ऑन। साइज ऑफ टाइप वन एरर ये करेक्ट ऑप्शन है, साइज ऑफ टाइप वन एरर या टाइप फर्स्ट एरर। टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में ये पैरामीटर्स हैं हमारे, ठीक है, अल्फा कहलाता है, साइज ऑफ क्रिटिकल लीजन और साइज ऑफ टाइप फर्स्ट एरर। ठीक है, बीटा कहलाएगा साइज ऑफ टाइप सेकेंड एरर, और वन माइनस बीटा कहलाता है पावर ऑफ दी टेस्ट। ठीक है, तो जो क्रिटिकल रीजन हम आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है, क्रिटिकल रीजन जनरली स्टैटिस्टिक के डिस्ट्रीब्यूशन और अल्फा के बेसिस पे हम डिफाइन करते हैं, लेकिन जो क्रिटिकल रीजन का साइज होगा वो साइज क्या होता है, अल्फा के इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, अगर अल्फा हमने 5% लिया है तो क्रिटिकल रीजन का साइज भी क्या होगा, 5% होगा। ठीक, तो ये ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा, द एरिया ऑफ क्रिटिकल रीजन डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ टाइप फर्स्ट एरर, यानी हम टाइप फर्स्ट एरर की प्रोबेबिलिटी कितनी ले रहे हैं, जितनी प्रोबेबिलिटी लेंगे वही क्या होगा, क्रिटिकल लेजन का एरिया होगा। क्लियर? कोई कंफ्यूजन है किसी को? तो नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करिए, क्वेश्चन नंबर 6, ये भी टेस्टिंग पे बेस्ड है, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस पे बेस्ड है। यहाँ पर हमें साइज ऑफ द क्रिटिकल लेजन आइडेंटिफाई करना है, यानी अल्फा हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो अल्फा कैलकुलेट करने के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बिलोंग्स टू क्रिटिकल लेजन व्हेन एस नॉट इज ट्रू। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देना है, ये डिस्ट्रीब्यूशन हमारा डिस्क्रीट है, तो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए हम समेशन का यूज करेंगे। पीछे हमने देखा था जब हम अल्फा कैलकुलेट कर रहे थे तो वहां पर पीडीएफ हमारा कंटिन्यूअस था, तो इंटीग्रेशन का यूज किया था। यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो इस केस में हम समेशन का यूज करेंगे। ठीक है, तो बाइनोमियल का पीडीएफ ये हमें पता होना चाहिए, बाइनोमियल का पीडीएफ अगर हम लिखें तो ये होगा एन सी एक्स पी टू दी पावर एक्स टू टू दी पावर एन माइनस एक्स। ओके, तो अब ये पैरामीटर्स कुछ हमारे पास यहाँ पे डिफाइंड हैं। ठीक है, एन हमें गिवन है, एन इज इक्वल टू 10, और पी नल हाइपोथेसिस में डिफाइंड है 1/2, अल्टरनेटिव में डिफाइंड है 1/4। हमें कैलकुलेट करना है अल्फा, तो इस केस में क्रिटिकल रीजन हमें गिवन है एक्स लेस देन इक्वल टू 3,
तो एक्स लेस देन इक्वल टू 3, ये पता है भाई, एक्स की वैल्यू 3 या 3 से कम आएगी तो उस केस में हम क्या करेंगे, नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे, ठीक है। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो इसे हम जब प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में लिखें तो ये एक्स लेस देन इक्वल टू 3 व्हेन पी इज इक्वल टू 1/2, इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये प्रोबेबिलिटी हम कैलकुलेट करेंगे, तो ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी प्रोबेबिलिटी एट एक्स लेस देन इक्वल टू 3 व्हेन पी इज इक्वल टू 1/2 एंड एन इज इक्वल टू 10। ये पैरामीटर्स हमें गिवन है, ठीक है। तो ये डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी है, तो ये प्रोबेबिलिटी होगी पी 0 प्लस पी 1 प्लस पी 2 प्लस पी 3, यही होगा। 3 तक की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। यहाँ पर एक्स हम डिफाइन करते हैं 0 1 2 अप टू एन, दैट मीन्स 0 सक्सेस, 1 सक्सेस, अप टू एन सक्सेस, ठीक है। तो अब हम पी यहाँ पर डिफाइन कर लें, पी एक्स अगर डिफाइन करें विद द गिवन पैरामीटर्स, तो एन हमें गिवन है 10, 10 सी एक्स, ठीक है। पी पी इज 1/2, 1/2 टू द पावर एक्स, एंड क्यू क्यू इज ऑल्सो 1/2, तो ये 1/2 टू द पावर एन बाई एक्स। तो फर्दर इसे सॉल्व करेंगे तो ये 10 सी एक्स 1/2 टू द पावर एन इतना मिलेगा, ठीक है। तो इसके बेसिस पे अब हम पी 0 पी 1 पी 2 पी 3 कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पी 0 कैलकुलेट करेंगे तो एक्स की जगह पे ये पी एक्स है हमारा, दिस इज आवर पी एक्स, ठीक है। तो पी 0 निकालना है तो एक्स की जगह पे 0 पुट करेंगे, 10 सी 0 1/2 टू द पावर एन प्लस 10 सी 1 1/2 टू द पावर एन। अब एन की वैल्यू भी हमें यहाँ पर गिवन है, एन इज 10, ठीक है। ये 10 यहाँ पर लिख लेते हैं। तो ये सिंप्लीफाई करना है, ये आप सिंप्लीफाई करिए, देखिए कितना आ रहा है। अब यहां से क्या कर सकते हैं, 1/2 टू द पावर 10 हम कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। 1/2 टू द पावर 10 हमने कॉमन लिया, तो अंदर रहा 10c0 प्लस 10c1 प्लस 10c2 प्लस 10c3। तो ये हम सिंप्लीफाई कर लें, कितना आ रहा है, 10c0 इज 1, 10c1 इज 10, 10c2, 10c2 इज 45 एंड 10c3 120। 120, ठीक है। तो ये कितना आया, 11/64। हाँ इसे आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये आएगा 11/64। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ये सबको समझ में आया कैलकुलेशन कैसे कर रहा हूँ मैं? अगर किसी को कंफ्यूजन है, कोई चीज़ नहीं समझ में आई है तो आप पूछ सकते हैं। सबको क्लियर है ये कैलकुलेशंस? यस सर। क्वेश्चन 7 का आंसर बताइए क्या होगा? नॉन रेंडोमाइज्ड टेस्ट। सही है ये आंसर, ए टेस्ट बेस्ड ऑन ए टेस्ट स्टैटिस्टिक इट्स क्लासिफाइड एज। ऑप्शन ए रैंडमाइज्ड टेस्ट। रैंडमाइज्ड टेस्ट क्या होते हैं? रैंडमाइज टेस्ट, देखो एक क्लास में हमने डिस्कस किया था, जिसमें
टेस्ट स्टैटिस्टिक इन्वॉल्व ना हो, ऑप्शन जहाँ पर आप टेस्ट, बी। हाँ जहाँ पर आप टेस्ट स्टैटिस्टिक का यूज करेंगे वो टेस्ट हमारे नॉन रेंडमाइज टेस्ट होंगे, ठीक है। जहाँ पर सिंपली आप चांस के बेसिस पे डिसीजन लेंगे कि जैसे आपने सिक्का उछाला और आपने कहा भाई अगर हेड आएगा तो हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करेंगे, टेल आया तो नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे, तो उस केस में टेस्ट रैंडमाइज टेस्ट होगा, ठीक है। इसी तरह से सिक्वेंशियल टेस्ट में हम क्या करते हैं, एक डेफिनेट क्राइटेरिया बनाते हैं कि भाई हमारे सैंपल में पॉइंट क्या होंगे, इस लिमिट में लाई करेंगे तो हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करेंगे, अदरवाइज लिमिट से बाहर जाएंगे तो फिर हम फर्दर सैंपलिंग करेंगे, ठीक है। देन थर्ड स्टेप में फिर फर्दर क्राइटेरिया पे बेस्ड हम कहेंगे भाई अपनी नल हाइपोथेसिस को क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। वहीं बेस टेस्ट में हम बेज एस्टिमेटर्स का यूज करते हैं, ठीक है। तो इस केस में जो आंसर है वो नॉन रेंडमाइज टेस्ट होगा। नॉन रेंडमाइज टेस्ट में टेस्ट स्टेटिस्टिक का यूज किया जाता है। अब टेस्ट स्टेटिस्टिक में जैसे हमने देखा था टी टेस्ट हम देख रहे थे, तो टी स्टेटिस्टिक हम यूज कर रहे थे, या काई स्क्वायर स्टेटिस्टिक हम यूज करते हैं, या एफ स्टेटिस्टिक यूज करते हैं, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 8, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इज रिलेटेड टू, क्या होता है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम? ओके सी, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वेशंस इन ए सेट, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, द रेशियो ऑफ द लाइक्लीहुड फंक्शन अंडर एच जीरो एंड अंडर इंटायर पैरामेट्रिक स्पेस इज कॉल्ड, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या आंसर होएगा इसका? लाइक्लीहुड रेशियो। लाइक्लीहुड रेशियो। देन क्वेश्चन नंबर 10, इसमें कुछ इंफॉर्मेशन हमें गिवन है। इट वॉज क्लेम दैट द एवरेज लाइफ ऑफ डाई ड्राई बैटरी सेल्स इज 60 आवर्स, ए लार्ज सैंपल ऑफ 441 सेल्स हैड मीन लाइफ 42 आवर्स विद अ वेरियंस ऑफ 81 आवर्स, डू द डेटा असर्टेन द क्लेम? ये किस तरह की प्रॉब्लम है, क्या करना है यहाँ पर? सबसे पहले तो प्रॉब्लम समझनी है, प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। प्रॉब्लम यहाँ पर टेस्टिंग की प्रॉब्लम है। टेस्टिंग में हमें एवरेज लाइफ ऑफ ड्राई बैटरी सेल ये टेस्ट करना है, विच इज इक्वल टू 60 आवर्स, ठीक है। तो नल हाइपोथेसिस होगी भाई म्यू इज इक्वल टू 60, क्लियर। ये हमें टेस्ट करना है, नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करना है। देन बाकी जो इंफॉर्मेशन है हमें गिवन है, इसमें एन है, एन इज 441 सेल्स, यानी सैंपल साइज हमें गिवन है 441, हैड मीन लाइफ, तो इस सैंपल पे बेस्ड जो इंफॉर्मेशन है, सैंपल पे बेस्ड सैंपल मीन ये 42 है, एंड विद अ वेरियंस और सैंपल वेरियंस, ठीक है। अब सैंपल वेरियंस है यहाँ पर, सैंपल वेरियंस हम स्मॉल एस स्क्वायर लें या कैपिटल एस स्क्वायर लें, तो यहाँ पर हम देखते हैं सैंपल साइज लार्ज है, तो स्मॉल एस स्क्वायर हमें गिवन है, दिस इज इक्वल टू 81, क्लियर। तो ये हमें टेस्ट करना है, सैंपल साइज लार्ज है, वेरिएंस अननोन है, लेकिन पॉपुलेशन वेरिएंस अननोन है, लेकिन सैंपल साइज लार्ज है, तो सिंपली हम क्या करेंगे, जेट कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अब जेट कैलकुलेट ये वैल्यू होती है एक्स बार माइनस म्यू अपॉन सिग्मा बाई रूट एन, ठीक है। अब सिग्मा अननोन है तो इसका अनबायस्ड एस्टिमेटर हम यूज करेंगे स्मॉल एस, तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमें गिवन है, तो हम जेट कैलकुलेट करें तो ये 42 माइनस 60 डिवाइडेड बाई एस, दैट इज 9 डिवाइडेड बाई रूट एन, रूट 441 भी आप कैलकुलेट करोगे ये कितना आएगा, 21। 20, 21 आएगा, हाँ। तो ये आ गया 21 इंटू 18 डिवाइडेड बाई
9, तो ये कितना आ रहा है, 42 आ रहा है, -42। क्यों, यही आएगा ना, वैल्यू ऑफ जेड कैलकुलेटेड, ये आ रही है -42। तो क्या करेंगे यहाँ पर, नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करेंगे, रिजेक्ट करेंगे, करें। अब देखो प्रॉब्लम क्या होती है, रिजेक्शन के लिए हमें अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस भी चाहिए यहाँ पर, कि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की फॉर्म किस तरह की, यानी ये टेस्ट किस तरह का है, ये टू टेल टेस्ट है, राइट टेल टेस्ट है, या लेफ्ट टेल टेस्ट है, ठीक है। लेकिन एक कॉन्सेप्ट मैंने और डिस्कस किया था आपसे, कि भाई अगर आपने जेट कैलकुलेट किया, इसकी वैल्यू -3 से कम आ गई, या इसकी वैल्यू +3 से ज़्यादा आ गई, तो उस केस में सीधे हम क्या करेंगे, नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे। फिर ये देखना जरूरी नहीं है कि टाइप ऑफ टेस्ट किस तरह का है, या क्रिटिकल वैल्यू क्या है, ठीक है। ये जेड डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टी होती है, तो उसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड ये क्वेश्चन हम कह सकते हैं। सिंपली हमने देखा जेड कैलकुलेट किया, ये -42 आ गया, हमें इससे कोई मतलब नहीं कि हमारा टेस्ट टू टेल्ड है, राइट टेल्ड है, लेफ्ट टेल्ड है, ठीक है। सीधा सीधा पता चल रहा है भाई जेड कैलकुलेटेड -42 है, एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। तो ये -3 से कम है, तो यहाँ पर नल हाइपोथेसिस क्या हो जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी, सो द क्लेम विल बी रिफ्यूटेड। क्लियर, तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। ये समझ में आया सबके, सिंपल सी कैलकुलेशन है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन का क्या आंसर होएगा, आंसर? टेस्ट बी। हाँ ठीक है, तो ये प्रॉब्लम क्या करती है, टी टेस्ट की सभी कंडीशन को होल्ड करती है, ठीक है। अभी ये अंडरस्टूड, अच्छा इसमें गिवन है ए सैंपल ऑफ 12 स्पेसिमेन, एन इक्वल टू 12 है, विच इज स्मॉल सैंपल, ठीक है। सेकंड, पॉपुलेशन में मीन को तो स्पेसिफाई कर दिया है, यानी मीन तो स्पेसिफाइड है, और पॉपुलेशन वेरिएंस अननोन है, सिग्मा स्क्वायर इज अननोन। अब इतना भी ये भी क्लियर हो गया भाई, सिग्मा स्क्वायर अननोन है, स्मॉल सैंपल है, और टेस्टिंग मीन के लिए है, तो ये क्लियर है, टी टेस्ट की सारी कंडीशन को होल्ड करता है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, टी टेस्ट अप्लाई करेंगे। क्लियर, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ पे तो जेट की कैलकुलेटेड वैल्यू बतानी है कितनी होगी। ये बताइए जरा जेट कैलकुलेटेड कितना होगा यहाँ पर। कितना आएगा जेट कैलकुलेटेड, फॉर्मूला फॉर जेट कैलकुलेटेड इज, पी माइनस कैपिटल पी डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड एरर ऑफ पी, ठीक है। ये हमने बताया था जेड इज इक्वल टू टी माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टी डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड एरर ऑफ टी। यहाँ पर टी हमारा पी है, पी इज सैंपल प्रपोर्सन, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टी ये कैपिटल पी होगा,
और वेरिएंस ऑफ टी ये कैपिटल पी क्यू अपॉन एन होगा यहाँ पर, ठीक है। पी इज एक्स बाई एन, एक्स इंडिविजुअल्स आउट ऑफ एन इंडिविजुअल्स, दिस इज आवर सैंपल प्रपोर्शन। ओके, तो जेट कैलकुलेटेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी फिर यहाँ पर? जेट कैलकुलेटेड विल बी इक्वल टू पी माइनस कैपिटल पी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ पी क्यू डिवाइडेड बाई एन, यही होगा। अब कैपिटल पी तो हमें स्पेसिफाइड है, दिस इज 0.4। एन कितना है? अभी क्वेश्चन आगे पढ़िए, देयर आर 8 पर्संस आउट ऑफ 15, सो एन इज 15 एंड एक्स इज 8, सो द सैंपल प्रोपोर्शन विल बी 8 बाई 15, ठीक है। तो ये हम सिंप्लीफाई कर लें, कितना आएगा ये? जीरो पॉइंट फाइव 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 आएगा। तो ये कैलकुलेशन आप करिए, कैलकुलेट करेंगे पी, पी इज 0.55 माइनस कैपिटल पी 0.40 डिवाइडेड बाय रूट पी क्यू, 0.40 इंटू 0.60 होल डिवाइडेड बाय 15। तो ये आप सिंप्लीफाई कर लिए, कितना आ रहा है ये आंसर आप देख लीजिए, कितना आएगा? देखो कि कैपिटल पी 0.4 है और क्यू की वैल्यू 1 माइनस पी होती है, तो क्यू इज 1 माइनस 0.4 एंड क्यू इज 0.60। ये सारी वैल्यू उठा के यहाँ फॉर्मूले में पुट करेंगे तो जेट कैलकुलेट हो जाएगा, कितना आ रहा है इसका आंसर बताइए, ये कैलकुलेशंस करके बताएं कितना आएगा। न्यूमरेटर में तो आया 0.150 डिवाइडेड बाय रूट 15, रूट 15 इज अप्रॉक्सीमेटली 3.9, एंड रूट 0.24, 0.24 इज अप्रॉक्सीमेटली 0.05। जीरो पॉइंट फाइव हाँ, जीरो पॉइंट फाइव होगा ना सर। 0.5, तो कितना आ रहा है ये? 1.08 1.08 आएगा अप्रोक्सीमेटली। फाइनल आंसर, फाइनल आंसर आंसर वन पॉइंट जीरो एट सर। अप्रोक्सीमेटली 1.08 आ रहा है, हाँ सर, सो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, ये क्या होगा? डी सर। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फॉर काई स्क्वायर इन केस ऑफ कंटिंजेंसी टेबल इज आर माइनस वन इंटू एस माइनस वन, वेयर आर इज नंबर ऑफ कॉलम्स एंड एस इज नंबर ऑफ रोज, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर देखिए, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हो तो आंसर मिल जाएगा आपको, ठीक है। यहाँ पर मैं अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेट कर रहा था, आप कैलकुलेट करेंगे इसे क्या वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो आप देखेंगे कोई भी ऑप्शन नहीं आ रहा होगा यहाँ पर, ऑप्शन डी
इज द राइट आंसर, ठीक है। ये क्लियर है सबको? यस सर। अब क्वेश्चन नंबर 13 में डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आर माइनस वन इंटू एस माइनस वन, आर इज इक्वल टू 4 एंड एस इज इक्वल टू 3, तो 3 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 6, सो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। ओके, दैट क्वेश्चन नंबर 14, द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फॉर काई स्क्वायर इन केस ऑफ डाइकोटोमाइज्ड फ्रीक्वेंसीज आर। कितना होगा? 1 होगा। डाइकोटोमाइज्ड मींस फ्रीक्वेंसीज हैविंग टू क्लासेस, ठीक है, दो ही क्लास होंगी और डिग्री ऑफ फ्रीडम क्लास माइनस वन, नंबर ऑफ क्लासेस माइनस वन, दैट इज 2 माइनस 1 व्हिच इज इक्वल टू 1। क्लियर? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 14, इसका बता सकते हैं आंसर क्या होगा? फॉर्मूला फॉर काई स्क्वायर फॉर द बाइनोमियल फ्रीक्वेंसीज ए एंड बी टू अकर इन ए स्पेसिफाइड रेशियो आर इज टू 1 इज। ये शायद आपने जेनेटिक्स की क्लास में भी देखा होगा। ठीक है, ये आंसर होगा यहाँ पर बी, ए माइनस आर बी स्क्वायर अपॉन आर इंटू ए प्लस बी। ऑब्जर्व फ्रिक्वेंसीज है हमारे पास ओ वन इक्वल टू ए, ओ टू इक्वल टू बी, ठीक है, तो ई वन हम निकालेंगे, तो ई वन हो जाएगा आर अपॉन वन प्लस आर ऑफ ए प्लस बी, और ई टू होगा वन अपॉन आर प्लस वन ऑफ ए प्लस बी। ठीक है, तो काई स्क्वायर के फॉर्मूले में इसे पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो ये वैल्यू आएगी। देन क्वेश्चन नंबर 16, कोफिशिएंट ऑफ कंटिंजेंसी इज कैलकुलेटेड व्हेन, कब कैलकुलेट करेंगे कोफिशिएंट ऑफ कंटिंजेंसी? द एट्रीब्यूट्स आर एसोसिएटेड सर। ठीक है, ये हमने डिस्कस किया था कि भाई जब नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगी तो उस केस में हमें ये तो पता चलेगा कि एट्रीब्यूट एसोसिएटेड हैं, लेकिन एसोसिएशन कितना है, एसोसिएशन स्ट्रांग है वीक है ना, तो उसे चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, कोफिशियंट ऑफ कंटिंजेंसी कैलकुलेट करते हैं। तो कोफिशियंट ऑफ कंटिंजेंसी इज कैलकुलेटेड व्हेन द एट्रीब्यूट्स आर एसोसिएटेड, दैट मींस व्हेन द नल हाइपोथेसिस रिजेक्टेड। ओके, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से और इसका आंसर बताइए क्या होगा। साइज ऑफ द टाइप फर्स्ट एरर यहाँ पे निकालना है, अल्फा कैलकुलेट करना है। अल्फा विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बिलोंग्स टू क्रिटिकल रीजन व्हेन एच नॉट इज ट्रू, ये होता है। अब एच नॉट क्या है यहाँ पर, क्रिटिकल रीजन क्या है और डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा है, ये आप देख लीजिए तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इसे करिए जरा सॉल्व, आप 2 मिनट का समय ले लीजिए।
हाँ जी, क्या आंसर आया यहाँ पर? आंसर ए बी बी। एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है और इस टेस्टेड, द हाइपोथेसिस इज टेस्टेड। टेस्ट कौन सी हाइपोथेसिस हो रही है? ये हाइपोथेसिस हो रही है, तो इसका मतलब ये हाइपोथेसिस हमारी नल हाइपोथेसिस है। इट्स नॉट सच दैट थीटा इक्वल टू 1000, ठीक है, अगेंस्ट H1 सच दैट थीटा इक्वल टू 1500। इफ द सेल्स ऑन ए डे इज 1200 लीटर्स और मोर, दैट मीन्स इफ सेल्स इज रिप्रेजेंटेड बाई एक्स, देन एक्स इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 1200 प्रोवाइड्स क्रिटिकल रीजन। ओके, दिस इज आवर क्रिटिकल रीजन। तो भाई अल्फा हमें कैलकुलेट करना है, तो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है एफ एक्स थीटा, तो ये होगा थीटा इंटू ए टू द पावर माइनस थीटा एक्स, वेयर एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब थोड़ा सा आप प्रॉब्लम को ध्यान से देखिए, सॉरी आंसर को ध्यान से देखिए। आंसर में आप देख रहे हैं भाई ये 1.2 की फॉर्म में आ रहा है, ठीक है, तो 1.2 की फॉर्म में आ रहा है। तो यहाँ पर जब हम इस तरह की पीडीएफ, इस तरह का फॉर्म लेंगे एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का, तो ये प्रॉब्लम हमारी क्या होगी, 1000, यानी ये 3 डिजिट, 4 डिजिट में ये आंसर आएगा। लेकिन आंसर हमारा क्या आ रहा है, डेसिमल वैल्यूज में आ रहा है। तो इसका मतलब जो पीडीएफ यहाँ पर हमें कंसिडर करना है एफ एक्स थीटा, वो इस फॉर्म में कंसिडर करना है, ठीक है। तो जब हम थीटा को इस तरह से फ्रैक्शनल वैल्यू में लेंगे, तो आंसर भी हमारा क्या होगा, फ्रैक्शंस में आएगा, ठीक है। ये सिंपल इस तरह का लॉजिक यहाँ पे अप्लाई करना है। आप चाहो तो इस तरह से भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर आप देखोगे आंसर वो क्या आएगा, 4 डिजिट में आएगा। क्लियर? तो अल्फा कैलकुलेट करें तो ये होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1200 अंडर थीटा इक्वल टू 1000, ठीक है। तो ये आप कैलकुलेट करिए, लिमिट 1200 टू इनफाइनाइट 1/1000 ई टू द पावर माइनस एक्स अपॉन 1000 dx, ठीक है। तो ये 1/1000 कितना आ रहा है, ये e to the power minus x upon theta, इसका इंटीग्रेशन होगा 1/1 upon theta, ये न्यूमरेटर में आ जाएगा 1000 into e to the power minus x upon 1000, ये माइनस के साथ होगा, विथ लिमिट अपर लिमिट इंफिनिटी लोअर लिमिट 1200, ठीक है, यही होगा। तो इसे जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये 1000 और 1000 तो बैलेंस हो गया, ठीक है। इन्फिनिटी अपर लिमिट पे ये वैल्यू 0 होगी, ठीक, ई टू दी पावर माइनस इन्फिनिटी इज 0, और जब लोअर लिमिट पुट करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये ई टू दी पावर माइनस 1200 डिवाइडेड बाई 1000, दैट इज ई टू दी पावर माइनस 1.2। तो द करेक्ट आंसर इज आंसर, ठीक है। इस तरह से आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ये सबको समझ में आया होगा? अगर कोई डाउट है किसी को, कोई कंफ्यूजन है, तो आप पूछ सकते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, इट इज क्लेम्ड दैट बाई द गवर्नमेंट 50% पीपल ऑफ दिल्ली हैव एंटीबॉडीज अगेंस्ट कोविड-19। ए सर्वे ऑफ 1600 पीपल रिवील्ड दैट 35% पीपल हैव एंटीबॉडीज अगेंस्ट कोविड-19। ऑन द बेसिस ऑफ द सर्वे रिजल्ट्स द क्लेम बाई द गवर्नमेंट विल बी, फर्स्ट ऑप्शन इज इनसफिशियंट डेटा। क्या डेटा इनसफिशियंट है?
अगर सफिशियंट है तो उस केस में फिर हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगी या रिजेक्ट होगी। कैसे करेंगे सॉल्व? प्रोपोर्शन पे बेस्ड ये प्रॉब्लम है, ठीक है, परसेंटेज में वैल्यूज गिवन है, प्रोपोर्शन पे बेस्ड है। तो नल हाइपोथेसिस कहती है भाई जो पॉपुलेशन प्रोपोर्शन है वो कितना है, 0.50 है, 50% पीपल में एंटीबॉडीज हैं, ठीक है। देन हमने स्टडी कंडक्ट की, सर्वे सैंपल, सर्वे कंडक्ट किया, तो सर्वे सैंपल का सैंपल साइज ये 1600 है और इसमें से सैंपल प्रोपोर्शन हमें मिला 0.35, ठीक है। तो इसके बेसिस पे हम क्या करें, यहाँ पर जेड कैलकुलेट कर लें, ठीक है। पी हमारा 0.50 है तो क्यू भी 0.50 होगा, ये आपको पता है। तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, पी माइनस कैपिटल पी अपॉन रूट पी क्यू डिवाइडेड बाई एन। तो इसे आप सिंप्लीफाई कर लो, 0.35 माइनस कैपिटल पी, कैपिटल पी इज 0.50 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 0.50 इंटू 0.50 डिवाइडेड बाई 1600। तो ये आया माइनस 0.15 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1600 इज 40 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 0.25 दैट इज 0.5। तो कितना आ रहा है ये, यह आएगा -12, ठीक है। तो फिर से वही प्रॉब्लम है, अब हमें यहाँ पर अल्टरनेटिव की फॉर्म नहीं देखनी है, सिंपली हमारा जेट कैलकुलेटेड -3 से कम आ रहा है, तो नल हाइपोथेसिस को क्या करेंगे, रिजेक्ट करेंगे, ठीक है। इसका मतलब गवर्नमेंट का क्लेम क्या है यहाँ पर, इनकरेक्ट है, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 19, इफ ऑल फ्रीक्वेंसीज ऑफ क्लासेज आर सेम द वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर इज 1 इनफाइनाइट 0 नन ऑफ द अबव। कितना होगा वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर, काई स्क्वायर टेस्ट द डिस्क्रिपेंसी बिटवीन ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज एंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज। इफ ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज एंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज बिकम सेम द डिफरेंस विल बी 0, इन दैट केस काई स्क्वायर विल बी 0, ओके। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, क्या आंसर होगा यहां पर, आंसर टू क्वेश्चन नंबर 20 बी सर इंक्रीज हो। इंक्रीज होगा, ठीक है। द मीन एंड एसडी ऑफ ए सेट ऑफ वैल्यूज आर दिस, देन द वैल्यू ऑफ स्टूडेंट्स टी इज कैलकुलेटेड, ओके। टू टेस्ट एस नॉट मे इक्वल टू 10, इफ ए सैंपल वैल्यू इज इंक्रीज बाई 2 द वैल्यू ऑफ टी विल बी। अब टी हम देखते हैं, इसका फॉर्मूला है एक्स बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाई एस बाई रूट एन, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है, चेंज ऑफ ओरिजन हम अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो चेंज ऑफ ओरिजन अप्लाई करेंगे तो चेंज ऑफ ओरिजन एस पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, चेंज ऑफ ओरिजन का वेरियंस क्वांटिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये तो ऐसा ही रहेगा, ये तो सेम रहना है, इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ना है। लेकिन जब चेंज ऑफ ओरिजन हम एक्स बार में अप्लाई करेंगे तो इस केस में एक्स बार की वैल्यू क्या होगी, अगर हमने चेंज ऑफ ओरिजन में ऐड किया है
तो एक्स बार की वैल्यू भी ऐड हो जाएगी, ठीक है, तो ये वैल्यू इंक्रीज होगी। क्लियर? एक्स बार की वैल्यू इंक्रीज होगी तो इसका मतलब है डिफरेंस भी क्या होगा फिर, इंक्रीज होगा, क्योंकि म्यू तो कांस्टेंट है। डिफरेंस इंक्रीज होगा मींस टी की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर? ये समझ में आया सबके? तो ऑप्शन बी यहां पर करेक्ट होगा, ठीक है। इसी तरह से एक क्वेश्चन ये बनता है एफ, हमें पता है ये वेरिएंस रेशियो है, तो क्वेश्चन में आपसे गिवन होगा भाई कि हमने क्या किया, एन ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड हमने वेरिएंस कैलकुलेट किया, और एम ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड वेरिएंस कैलकुलेट किया, देन हर ऑब्जर्वेशन में हमने टू इंक्रीज कर दिया या टू डिक्रीज कर दिया, तो एफ की वैल्यू में क्या इफेक्ट पड़ेगा, एफ इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। तो इस केस में क्या होगा, एफ में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है, चाहे चेंज ऑफ ओरिजन किया हो, चाहे चेंज ऑफ स्केल किया हो। अगर चेंज ऑफ ओरिजन किया होगा तो चेंज ऑफ ओरिजन का तो वेरिएंस पे वैसे ही कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो उस केस में अनचेंज रहेगा, और अगर चेंज ऑफ स्केल किया होगा तो चेंज ऑफ स्केल में ये के स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर होगा, तो उस केस में एफ की वैल्यू भी उसमें भी क्या रहेगी, अनचेंज रहेगी, ठीक है। तो इस तरह की प्रॉब्लम भी पूछी जा सकती है, ये आप ध्यान में रखना। देन क्वेश्चन नंबर 21, इसका क्या आंसर होगा? आंसर टू क्वेश्चन नंबर 21। बहुत बोथ ए एंड बी, हम क्या करेंगे यहाँ पर, काई स्क्वायर टेस्ट भी यूज कर सकते हैं, जेड टेस्ट भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। जेड टेस्ट के लिए तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, जेड इक्वल टू पी माइनस कैपिटल पी अपॉन रूट पी क्यू डिवाइडेड बाई एन, और काई स्क्वायर के लिए हम कहेंगे भाई जो रेशियो है वो 1:1 का होगा, ठीक है, अनबायस्ड है कॉइन, अगर अनबायस्ड है तो 1:1 का होगा, ठीक है, यानी हेड आने का चांस भी 1/2, टेल आने का चांस भी 1/2, तो इसके बेसिस पे ये 200 हेड आने चाहिए, 200 टेल आने चाहिए, दिस इज आवर एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, और ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है, तो एक्सपेक्टेड और ऑब्जर्व के बीच में डिस्क्रिपेंसी चेक कर लेंगे, तो काई स्क्वायर टेस्ट के बेसिस पे हम बता सकते हैं हमारा कॉइन अनबायस्ड है या बायस्ड है, ठीक है। तो दोनों टेस्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे, तो इसका आंसर होगा यहाँ पर बोथ ए एंड बी। ये समझ में आया सबके? अभी ऊपर भी हमने देखा था एक प्रॉब्लम जहाँ पे फॉर्मूला था R:1 का रेशियो हमें गिवन था, ठीक है, उसी तरह की प्रॉब्लम है ये। देन क्वेश्चन नंबर 22, द बेस्ट क्रिटिकल रीजन कंसिस्ट ऑफ एक्सट्रीम पॉजिटिव वैल्यूज, एक्सट्रीम नेगेटिव वैल्यूज, बोथ ए एंड बी, नीदर ए नॉर बी। बोथ ए एंड बी सर। क्रिटिकल रीजन क्या करता है, एक्सट्रीम वैल्यूज कंसिस्ट करेगा, ठीक है, तो उसमें पॉजिटिव वैल्यूज भी होंगी, नेगेटिव वैल्यूज भी होंगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम जेट की बात करें तो जेट के केस में ये हमारा क्रिटिकल रीजन बनेगा, ये हमारा 1.96, ये प्लस 1.96 अगर अल्फा 5% है, ठीक है, तो यहाँ ये क्रिटिकल रीजन नेगेटिव वैल्यूज भी ले रहा है और पॉजिटिव वैल्यूज भी ले रहा है, ठीक है, तो बोथ ए एंड बी इज करेक्ट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 23, रिडक्शन इन द साइज ऑफ ए टेस्ट रिजल्ट्स इन टू, पावर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा साइज का? बता सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर?
रिडक्शन मीन्स वी आर रिड्यूसिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा, साइज ऑफ टेस्ट मीन्स अल्फा, ठीक है। तो ये जब टाइप और टाइप्स ऑफ एरर हम डिस्कस कर रहे थे तो वहाँ पे हमने डिस्कस किया था भाई अल्फा को अगर हम इंक्रीज करेंगे तो बीटा डिक्रीज होता है, इसी तरह से अगर बीटा को इंक्रीज करेंगे तो अल्फा डिक्रीज होता है, ठीक है। तो दो तरह से हम इस प्रॉब्लम को टैकल करते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम हम क्या करेंगे, अल्फा को फर्स्ट केस में हम अल्फा को फिक्स करेंगे और बीटा को मिनिमाइज करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। दिस टेस्ट आर नॉन रेंडमाइज टेस्ट, जिसमें हम टेस्ट स्टैटिस्टिक की हेल्प से प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। दूसरे केस में हम क्या करेंगे, एन को इंक्रीज करेंगे, ठीक है। एन इंक्रीज करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, अल्फा और बीटा मिनिमाइज हो जाएंगे, ठीक है। तो अब ये प्रॉब्लम सीधा सीधा समझ में आ रही है भाई, अल्फा को हम इंक्रीज कर रहे हैं तो बीटा डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। और अल्फा को अगर रिड्यूस करेंगे तो बीटा क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो इसका मतलब 1 माइनस बीटा, हमें तो पावर्स पूछी गई है, पावर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो पावर हमने क्या किया, अल्फा को रिड्यूस किया तो बीटा इंक्रीज होगी, बीटा इंक्रीज होगी तो पावर क्या होगी, फिर रिड्यूस होगी। क्लियर, ये समझ में आया सबके, अल्फा और बीटा में इनवर्स रिलेशन होता है, ठीक है। अल्फा को रिड्यूस करेंगे तो बीटा इंक्रीज होगा, बीटा इंक्रीज हो रहा तो इसका मतलब 1 माइनस बीटा क्या होगा, फिर डिक्रीज होगा। सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट, रिडक्शन इन द साइज ऑफ ए टेस्ट रिजल्ट्स इनटू डिक्रीज इन इट्स पावर। ये सबके समझ में आया होगा कॉन्सेप्ट। देन क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिसर्च हाइपोथेसिस। रिसर्च हाइपोथेसिस, मैंने बताया था आपको नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को रिसर्च हाइपोथेसिस भी कहा जाता है, ठीक है। तो स्टेटमेंट पर आप देखिए, यहाँ पर इक्वलिटी है, इस स्टेटमेंट में भी इक्वलिटी है, ठीक है। यहाँ पर आप कह रहे हैं पॉपुलेशन कोरिलेशन कोफिशियंट इज जीरो, अनबायस्ड स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि अजम्पशन होगा भाई आपने सैंपल में कोरिलेशन कैलकुलेट किया तो कुछ ना कुछ कोरिलेशन कैलकुलेट होएगा। तो अनबायस्ड स्टडी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसको कोरिलेशन कोफिशिएंट को नल करना होगा, जीरो करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये भी हमारी नल हाइपोथेसिस है, टू पॉपुलेशन फॉलो द सेम डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी हमारी नल हाइपोथेसिस है। तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या बची यहाँ पर, इंटेलिजेंट पीपुल है मोर रीडिंग हैबिट, एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को हम क्या कहते हैं, रिसर्च हाइपोथेसिस कहते हैं, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 25, कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर लेस देन इट्स डिग्रीज ऑफ फ्रीडम लीड टू। ये भी बताया था मैंने क्लास में, ठीक है। आप एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर कैलकुलेट करोगे तो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम के इक्वल आता है, ठीक है। तो इसका मतलब है काई स्क्वायर की एक्सपेक्टेड वैल्यू डिग्री ऑफ फ्रीडम तक आने तक आपकी नल हाइपोथेसिस क्या होगी, एक्सेप्ट होगी। अगर काई स्क्वायर ग्रेटर देन एन माइनस वन है तब आप टेबल वैल्यू के बेसिस पे देखोगे कि क्या डिसीजन हमें लेना है, लेकिन जब भी काई स्क्वायर कैलकुलेटेड लेस देन एन माइनस वन होगा तो इस केस में हमेशा नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगी, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहां पर करेक्ट होगा, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, इफ एक्स वन एंड एक्स टू आर टू इंडिपेंडेंट काई स्क्वायर वेरिएट्स विथ एन वन एंड एन टू डिग्रीज ऑफ फ्रीडम रिस्पेक्टिवली, देन द वेरिएबल एक्स वन डिवाइडेड बाई एक्स टू इज डिस्ट्रीब्यूटेड एज। क्या डिस्ट्रीब्यूशन होगा, एक्स वन का डिस्ट्रीब्यूशन काई स्क्वायर एन वन है, एक्स टू का डिस्ट्रीब्यूशन काई स्क्वायर एन टू है, फिर हमने एक रेशियो का निकाला है एक्स वन अपॉन
एक्स टू, तो इसका क्या डिस्ट्रीब्यूशन होगा? द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टू काई स्क्वायर वेरिएट इज बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेकेंड काइंड, ठीक है। तो यहाँ पर एक कंफ्यूजन भी था किसी स्टूडेंट को, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा, ये एफ नहीं होगा। एफ क्यों नहीं होगा? क्योंकि एफ जब हम डिफाइन कर रहे थे तो एफ डिफाइन हुआ था रेशियो ऑफ काई स्क्वायर वेरिएट्स डिवाइडेड बाय देयर रिस्पेक्टिव डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, ठीक है। इसका डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह का, यानी यहाँ पे क्या है, एक्स वन डिवाइडेड बाई एन वन अपॉन एक्स टू डिवाइडेड बाई एन टू, इसका डिस्ट्रीब्यूशन एफ डिस्ट्रीब्यूशन होगा। लेकिन हमसे सीधे क्या पूछा है, एक्स वन अपॉन एक्स टू पूछा है, तो ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, रेशियो ऑफ टू इंडिपेंडेंट काई स्क्वायर वेरिएट्स, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेशियो ऑफ टू काई स्क्वायर इंडिपेंडेंट वेरिएट्स इज बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेकेंड काइंड। सो द करेक्ट आंसर इज डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, इफ देयर आर 10 सिंबल्स ऑफ टू टाइप्स, सपोज वी हैव ए एंड बी इक्वल इन नंबर। इक्वल इन नंबर मीन्स ए की वैल्यू भी 5 है, 5 टाइम्स रिपीट हुआ है, बी भी 5 टाइम्स रिपीट हुआ है, द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ रन्स इज, कितने रन्स बनेंगे इस केस में? इफ वी हैव टू टाइप्स ऑफ सिंबल्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ रन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर 10, ओके, एंड वी हैव टू टाइप्स ऑफ सिंबल, देन द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ रन्स विल बी 10, ठीक है। ये आप देख सकते हो, अल्टरनेटिवली हम रन बनाएंगे ए बी ए बी ए बी ए बी एंड ए बी, ठीक है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। तो ये फर्स्ट रन इस तरह से मिलेगा हमें, तो ये रन हमें मिलेंगे। तो आप रन काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, सो देयर आर 10 रन्स, ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट, क्लियर। देन क्वेश्चन नंबर 28, ये सेम क्वेश्चन आ गया क्या? नहीं। इफ देयर आर 10 सिंबल्स ऑफ टू टाइप्स इक्वल इन नंबर द मिनिमम पॉसिबल नंबर ऑफ रन्स इज, मिनिमम पॉसिबल नंबर ऑफ रन्स कितने होंगे? टू सर। टू होगा ना सर? थ्री करेक्ट ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर? होगा। डी सर। ठीक है, मैंने पहले ही बताया, ऐसा जरूरी नहीं है कि जो आपका आंसर आ रहा है वो यहाँ मैच होना चाहिए। आपको एक ऑप्शन नीचे गिवन है नन ऑफ द अबव, तो वो भी करेक्ट आंसर हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये इस तरह के रन्स हो सकते हैं, ये मिनिमम पॉसिबल रन्स हैं, ठीक है। इसके अलावा आप रन बनाओगे तो वो 3 4 5 अप टू 10 रन्स आएंगे। ये मिनिमम पॉसिबल रन्स है कि क्या हो जाए, एक साइड एक सिंबल आ जाए, दूसरी साइड दो सिंबल आ जाए। तो यहाँ पे नंबर ऑफ रन्स 2 होंगे, तो ऑप्शन में नहीं है, तो करेक्ट ऑप्शन इज डी, नन ऑफ द अबव, क्लियर है। ये समझ में आया ना सबके? यस देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, द टेस्ट स्टेटिस्टिक्स इन द क्रूस्कर वॉलिस टेस्ट इज, अब ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, यहाँ पर फॉर्मूला आपको याद रखना है। फॉर्मूला क्या होगा या कॉन्सेप्ट अगर आपको ध्यान में है तो क्या है? ये मैंने बताया था, डेविएशन होता है ऑब्जर्व रैंक्स और एक्सपेक्टेड रैंक्स के बीच में। अब ये वेटेड सम होगा या सिंपल सम होगा? फॉर्मूला में लिखता हूँ, एच से इसे डिनोट करते हैं। ये फॉर्मूला होता है 12 अपॉन एन इंटू एन प्लस वन समेशन वन ओवर एन आई सम ऑफ फ्रिक्वेंसीज
माइनस एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज होल स्क्वायर. दिस इज सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशंस ऑफ ऑब्जर्व्ड रैंक्स एंड एक्सपेक्टेड रैंक्स. ठीक है, तो ये वेटेड सम है या सिंपल सम है? वेटेड सम वेटेड सम है. वेट्स क्या है यहाँ पर? रेसिप्रोकल ऑफ एनआईज. एनआईज मीन्स सैंपल साइज इन ईच ट्रीटमेंट. हमारे पास क्या होंगे ना, के ट्रीटमेंट होंगे, 1, 2, up to K. तो ये 1 पे हमने N1 ऑब्जर्वेशंस लिए होंगे, 2 पे N2 लिए होंगे, इसी तरह से K पे NK लिए होंगे. तो हम रैंकिंग करेंगे यहाँ पर. ठीक है, इन रैंकिंग पे बेस्ड सम ऑफ रैंक्स हम RI कैलकुलेट करेंगे, R1 R2 up to RK. ठीक है, तो ये वेट्स यहाँ पर क्या है, 1/NI है. सो द टेस्ट स्टेटिस्टिक इन द क्रूस्कर वालिस टेस्ट इज द वेटेड सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द डेविएशंस ऑफ द सम ऑफ ट्रीटमेंट रैंक फ्रॉम द एक्सपेक्टेड सम ऑफ रैंक्स. सो द ऑप्शन ए इज करेक्ट. ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है प्री में, क्रूस्कर वालिस टेस्ट पे बेस्ड ये क्वेश्चन पूछा गया कि क्रूस्कर वालिस टेस्ट क्या होता है, वेटेड सम ऑफ स्क्वायर्स होता है या सिंपल सम ऑफ स्क्वायर्स होता है. ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 30. कोल्मोगोरोव स्मिरनोव टेस्ट इज के एस सैंपल टेस्ट. ये के एस सैंपल टेस्ट शायद हमने डिस्कस नहीं किया था. ठीक है, तो ये यूट्यूब पे मैंने नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट पे बेस्ड जो वीडियोस अपलोड किए हैं उसमें के एस सैंपल टेस्ट मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है, तो वहां से आप देख सकते हैं. ठीक है, सिंपल क्या होगा, इम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी और एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी के बीच में डिफरेंस देखेंगे. तो सुप्रीमम यानी मैक्सिमम ऑफ डिफरेंस वही हमारा के एस स्टैटिस्टिक होता है. तो ये 1 सैंपल टेस्ट भी होता है और 2 सैंपल टेस्ट भी होता है. ठीक है, कोल्मोग्रो स्पिरनोव टेस्ट 1 सैंपल टेस्ट भी है और 2 सैंपल टेस्ट भी है. ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट होगा. क्लियर, देन क्वेश्चन नंबर 31. द रिलेशन बिटवीन यू एंड यू व्हेन वाई प्रिसीड्स एक्स एंड यू डैश व्हेन एक्स प्रिसीड्स वाई इन मान विटनी टेस्ट इज, क्या रिलेशन होता है यू और यू डैश में? सभी रिलेशन करेक्ट हैं, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट. ओके, क्वेश्चन नंबर 32. इफ इन विल्कॉक्सन साइंड रैंक टेस्ट द सैंपल साइज इज लार्ज, द स्टैटिस्टिक टी पॉजिटिव. टी पॉजिटिव इज सम ऑफ रैंक्स ऑफ पॉजिटिव साइंस इज डिस्ट्रीब्यूटेड विथ मीन एंड वेरियंस. क्या होता है मीन और वेरियंस? एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ टी पॉजिटिव इज एन इंटू एन प्लस 1/4. ओके, एंड वेरियंस इज एन इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n+1 डिवाइडेड बाई 24. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. ये बताया था मैंने कैसे कैलकुलेट होता है. देन क्वेश्चन नंबर 31. डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फॉर फ्रीडमैन स्टेटिस्टिक विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड एज काई स्क्वायर बेस्ड ऑन के ट्रीटमेंट्स एंड आर ब्लॉक्स आर. कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा यहाँ पर? K-1 होगा. ठीक है, ये हमने बताया था हम क्या करते हैं, ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंग रैंक करते हैं, रैंकिंग करते हैं. अगर ट्रीटमेंट हमारे कॉलम वाइज गिवन है तो हम रो वाइज रैंक करेंगे, अगर ट्रीटमेंट हमें रो वाइज गिवन है तो कॉलम वाइज रैंक करेंगे. ठीक है, फिर उन रैंक्स का सम निकाल के हम फ्रीडमैन स्टैटिस्टिक कैलकुलेट करते हैं और उसका डिस्ट्रीब्यूशन काई स्क्वायर होता है विथ ट्रीटमेंट माइनस 1 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. देन क्वेश्चन नंबर 34. ए टेस्ट इज सेट टू बी रोबस्ट इफ इसका क्या आंसर होगा?
रोबस्ट टेस्ट और रोबस्ट स्टैटिस्टिक ये शायद हमने डिस्कस नहीं किया है ना, तो इसे यहीं पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो रोबस्ट स्टैटिस्टिक की बात करते हैं। रोबस्ट स्टैटिस्टिक्स वो स्टैटिस्टिक्स हैं जिन पे एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। कोई भी ऐसे स्टैटिस्टिक्स जिस पे एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा वो स्टैटिस्टिक हमारी रोबस्ट होगी। इसको अगर एक एग्जांपल से समझें तो जैसे एक्स बार और एक्स मीडियन, ठीक है, सैंपल मीन और सैंपल मीडियन, दो स्टैटिस्टिक है। तो कौन सी स्टैटिस्टिक यहाँ पर रोबस्ट होगी, ठीक है। तो वो स्टैटिस्टिक रोबस्ट होगी जिस पे एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। हमने सपोज एक डेटा ले लिया, एक सैंपल ले लिया, ठीक है, ये एक डेटा सेट है। इसका अगर हम मीन कैलकुलेट करें तो ये मीन आएगा 2 + 4 + 3 + 5 + 7 / 5, 21 / 5, दैट इज 4.2। ये तो इसका मीन आया। इसी तरह से अगर इसका मीडियन कैलकुलेट करते हैं, मीडियन 2, 3, 4, 5, 7, तो मीडियन यहाँ पर XM ये 4 आया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इस डेटा सेट में कुछ एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस लिख लेता हूँ। जैसे एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस मैंने ले लिया यहाँ पर 15। तो जब हम एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस ले रहे हैं तो हम देख रहे हैं भाई इस स्टेटिस्टिक में एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस का मीन पे तो इफेक्ट पड़ेगा, मीन तो चेंज हो जाएगा, मीन की वैल्यू चेंज हो जाएगी और बहुत ही डेविएट करेगी वैल्यू, लेकिन सैंपल मीडियन यहाँ पर चेंज नहीं होगा, सैंपल मीडियन 4 ही रहेगा, ठीक है। तो हम देख रहे हैं भाई सैंपल मीडियन पे एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, तो सैंपल मीडियन क्या है, एक रोबस्ट स्टैटिस्टिक है। क्लियर। तो इस रोबस्ट स्टैटिस्टिक पे बेस्ड टेस्ट हमारे क्या होंगे, रोबस्ट टेस्ट होंगे। अब रोबस्ट टेस्ट हम देख रहे हैं भाई सैंपल मीन में क्या होगा, जो अजम्पशंस होंगे टेस्ट के वो वायलेट हो जाएंगे, तो वो इन्फेरेंस नहीं दे सकता है। जैसे टी टेस्ट है, टी टेस्ट में नॉर्मलिटी अजम्पशन अगर हमारा वायलेट हो गया, ठीक है, तो उस केस में डेटा क्या होगा, इंटरवल या रेशियो स्केल पे नहीं होगा, डेटा सिंपली क्या होगा फिर, डेटा नॉमिनल स्केल्ड होगा या ऑर्डिनल स्केल्ड होगा। अब डेटा नॉमिनल स्केल्ड और ऑर्डिनल स्केल्ड है तो ये हमने शुरू में ही डिस्कस किया था, इस केस में हम अरिथमेटिक मीन अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इस केस में या तो क्या कैलकुलेट होगा, मोड कैलकुलेट होगा या फिर मीडियन कैलकुलेट होगा, और हमें पता है भाई मीडियन क्या है, रोबस्ट है, ठीक है। तो इसका मतलब एक रिजल्ट यहाँ से और फॉलो होगा। पहला रिजल्ट तो ये मिल गया, सैंपल मीडियन इज रोबस्ट एज कम्पेयर टू सैंपल मीन, ठीक है। सेकेंड रिजल्ट यहाँ से मिला भाई, जो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होंगे। अब नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट क्या होते हैं, नॉमिनल स्केल्ड और ऑर्डिनल स्केल्ड टेस्ट होते हैं, तो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट क्या होंगे, रोबस्ट टेस्ट होंगे, ठीक है। तो अब यहाँ से एक रिजल्ट ये भी फॉलो होगा, द रोबस्ट टेस्ट प्रोवाइड्स द इन्फेरेंसेज इवन आफ्टर वायलेशंस ऑफ अजम्पशंस ऑफ द टेस्ट, यानी अगर टेस्ट की वायलेशन सॉरी टेस्ट की अजम्पशंस अगर वायलेट भी हो जाती हैं तो उस केस में भी क्या होगा, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट इन्फेरेंस देंगे। इन्फेरेंस मीन्स वो डिसीजन बनाएंगे, नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होनी है रिजेक्ट होनी है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं इस टेस्ट इज सेट टू बी रोबस्ट इफ इट प्रोवाइड्स द इन्फेरेंसेस इवन आफ्टर वायलेशंस ऑफ अजम्पशंस ऑफ द टेस्ट। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट सबको, अगर कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 इज आवर लास्ट क्वेश्चन। ऑर्डिनरी साइंटिस्ट यूटिलाइजेस पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बोथ ए एंड बी, नीदर ए नॉर बी, इसका क्या आंसर है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ओके। तो ये कुछ क्वेश्चंस हमने कलेक्ट किए थे, ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं एआरएस नेट में और बाकी कंपटीशन एग्जाम्स पे भी मैंने कुछ क्वेश्चंस कलेक्ट किए थे, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा किस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, ठीक।
अगर आपको कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप पूछ लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्लास डिस्कस करेंगे।